ट्रिक्स के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। ट्रिक्स नंबर 3 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, NDA 12 बोर्ड JEE सब के लिए। तो पहला और दूसरा जो ट्रिक्स पढ़े थे उसके आगे देखते हैं ट्रिक्स नंबर 3 कि 0 से π/2 cos का पावर nx dx रहे और n का वैल्यू यदि ऑड रहे तब ऐसे स्थिति में आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो n जो ऊपर पावर दिया हुआ है उसमें से आप ऑड घटाइए, n-1, n-3, n-5, n-7 तब तक घटाना है जब तक कि 0 ना मिल जाए, और जब 0 मिल जाए तो उस टर्म को छोड़ देना है और डिनोमिनेटर में n से शुरुआत करना है और इवन नंबर को सबट्रैक्ट करना है। ठीक उसी प्रकार से तब तक जब तक कि कोई आपको निगेटिव नंबर ना मिल जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 0 से π/2 cos क्यूब x dx है। देखिए यहाँ n का वैल्यू ऑड है, 3 है, तो क्या मिलेगा आंसर, 3-1। फिर 3-3 0 हो गया, नहीं लिखेंगे। नीचे 3 × 3-2, फिर 3-4 नहीं लिखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2/3 × 1 यानी 2/3, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है। जैसे 0 से π/2 cos का पावर 5x dx क्या हो जाएगा, 5-1 × 5-3। अब 5-5 नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 × 5-2 × 5-4, 5-6 नहीं लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 × 2/5 × 3 × 1 यानी 4×2 = 8/15, तो आपका आंसर हो गया 8/15। इसी प्रकार से आप आंसर बनाइए और कमेंट में लिखिए। 0 से π/2 cos का पावर 7x dx, 0 से π/2 cos का पावर 9x dx किसी को भी इंटीग्रेट आप चुटकी में कर सकते हैं। इसी में इवन पावर को देखते हैं तो आप इसको b बना लीजिएगा। 0 से π/2 cos का पावर nx dx, अब की बार हम कह रहे हैं कि n का वैल्यू है इवन, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, वही काम करेंगे, न्यूमरेटर में आप n में से ऑड घटाते जाइए तब तक कि जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए और 0 वाले टर्म को छोड़ दीजिए, और डिनोमिनेटर में आप इवन नंबर को घटाइए ताकि कोई निगेटिव ना मिल जाए, वहीं तक घटाना है ... और इसमें π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही अंतर है। इवन में π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऑड में कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। 0 से π/2 cos² x dx, तो देखिए 2 है, तो 2 में पहला ऑड घटाएंगे 1, दूसरा ऑड हो जाएगा 3, तो 2-3 निगेटिव हो गया, नहीं लेंगे। नीचे में हो जाएगा 2 × 2, अब देखिए यहाँ पहला इवन है 2-2, 0 हो गया, तो नहीं लिखेंगे, इतना ही आंसर हो जाएगा। π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो गया 1 × π और नीचे हो गया 4, बहुत ही आसान है। जैसे 0 से π/2 cos का पावर 4x dx है, तो आप क्या करेंगे, 4-1 × 4-3, अब 4-5 नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में 4 × 4-2 × π/2, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 यानी ऊपर में 3π और नीचे में हो गया 4×2 = 8×2 = 16, आंसर हो गया 3π/16। इसी प्रकार से आप बनाएंगे 0 से π/2 cos का पावर 6x dx, फिर 0 से π/2 cos का पावर 8x dx। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे शॉर्टकट्स को कॉपी में एक जगह नोट कीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको काफ़ी सहूलियत हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।